गोर लागे हम परशुराम चौधरी थारू भाषा के कार्यक्रम समाज के मार्फत से। आदरणीय दर्शक महानुभाव सब हम यहाँ सबके लग्न पूर्व से लाके पश्चिम के थारू सुन के गतिविधि देखाते आबि रहल छी। ओनहिए आइ के कहबे सप्तरी जिला शंभुनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 4 में हमें चलि आयल छी। एतका थारू सुन संगे बातचीत करे ले जा रहल छी कि पहिलुका हमरा के थारू सुन के पहचान की छे, हमरा के गतिविधि की भए रहल छे, ता सप्तरी जिला के अवस्था की छे, के सरोज कुमार चौधरी संगे ई विचार रखने छे। ऐ सप्तरी जिला के थारू सब के की पहचान छे, ई सब के जे छे अवस्था केहन छे, पहिलका केहन रहते विषय के संदर्भ में हम कुछ दुई शब्द राखे ले चाहे छे। आदरणीय साथी सब अपने सब के जे छे आय के जे छे सप्तरी जिला बहुत गौरवान्वित जिला के रूप में चिन्ह ले जा रहल छे, किया त सप्तरी जिला उ जिला छे आय देश के 77 जिला में जे छे शिक्षा के रूप में जे छे सबसे अगारी के रूप में देखल जाए छे। आय जतेक भी न्यायिक क्षेत्र में जे छे अय सप्तरी जिला में अहाँ के जे छे बिंदेश्वरी बहुमुखी कैंपस में जे छे लॉ के पढ़ाई होइ छे, जे अहाँ के जे छे भरखरे संसद जे विघटन करने रहे केपी ओली के सरकार, उ केपी ओली सरकार के जे छे जे न्यायिक क्षेत्र में जब जे छे राजनीतिक रूप से कोनो चीज नहीं भेलै त अहाँ के जे छे न्यायिक अदालत में जाके जे छे संसद के पुनर्स्थापना भेलै और ओहि चीज के पढ़ाई हमर सप्तरी जिला में भए रहल छै। आदरणीय जनसमुदाय आय सप्तरी में एहन महान व्यक्ति रहे कि 2047 साल के जे संविधान बनलै त राजा के प्रतिनिधित्व के रूप में जे छे अटॉर्नी जनरल के रूप में जे छे 30 वर्ष तलक काम करला महानिधिवक्ता रमानंद प्रसाद सिंह जे छे अहाँ के सप्तरीय जिला के परसवनी गांव के छले, और विगत में जिला विकास के जे स्थापना भेले शुरू के सभापति जे छे सप्तरीय जिला के थारू रहे सप्तरी जिला विकास के। और आदरणीय जनसमुदाय अपने के जे छे सप्तरी जिला में जै टाइम में पहिलका जे छे राजनीतिक अवस्था रहे शुरू के अवस्था में अहाँ के जे छे 114 गाविस रहे, ओ 114 गाविस में अहाँ के 75 गाविस के अध्यक्ष थारू समुदाय छे। सप्तरी जिला जाके बहुते शिक्षित छे, पढ़ल लिखल आदमी छे, लेकिन सप्तरी जिला में कर कारखाना सुन जाके उद्योग सुन जाके नहीं भेला के कारण से जाके एतका थारू सुन जाके नौकरी व्यवसाय में जाके बहुत पछा पड़ल छे। उन्हें कहे न्याय क्षेत्र में जाके बहुत बड़का बड़का आदमी सुन जाके सप्तरी जिला के छे कहे छे, लेकिन उद्योग नहीं भेला के कारण से जाके आर्थिक में जाके विकास करे ले नहीं सकने छे। इहो विचार सरोज चौधरी जाके एना कह रहल छे। औद्योगिक क्षेत्र के अवस्था नहीं छे, वन पर्यटन के जे छे मतलब जे छे कना करके जे छे अगारी हरा भरा करबे ते क्षेत्र में जे छे मतलब जे छे सरकार के कोनो लगानी नहीं छे। अखनो देश में संघीयता आला के बाद अय दुई नंबर प्रदेश में हम सब के जे छे सप्तरी जिला में थारू के जे जनसंख्या के आधार में जे अहाँ के जे छे समानुपातिक सीट मिलना चाहिए, जै में जे छे अहाँ के लोक सेवा आयोग में जे भेटना चाहिए आरक्षण भेटना चाहिए वो कतौ न कतौ जे छे दयनीय छे, चाहे संघीय सरकार हेबे प्रदेश सरकार हेबे कतौ न थारू सब में बहुत विभेद कर रहल छै। तै लके हम सब के ई जोरदार आवाज छै जे विगत के दिन में जे थारू सब के सप्तरी जिला में अखुन तो 4 निर्वाचन क्षेत्र में जे छै 2 निर्वाचन क्षेत्र सप्तरी जिला में अहाँ के थारू समुदाय के जे छै प्रतिनिधित्व कर रहल छै, माननीय तेजुलाल चौधरी और माननीय चंद्रकांत चौधरी, और अखुन तो शंभुनाथ नगरपालिका के जे छै मेयर जे छै थारुए समुदाय के सपूत छियै उ अहाँ के योगेंद्र प्रसाद चौधरी जी छै। और विगत के दिन में सप्तरी जिला में जे छै एजुकेशन के सवाल में जे छै किएक तऽ कतौ न कतौ विकृति और विसंगति देखा पड़ि रहल जा रहल छै, जे युवा सब के जे छै एकटा सोच रहै पहिले डॉक्टर इंजीनियर मतलब जे छै राजनीतिक रूप में जे जेहन लगाव रहै अखनो दिनानुदिन घटैत जा रहल छै, किएक तऽ एहि प्रति जे छै सरकारो चासो नहि दए रहल छै और जे छै अहाँके जे छै प्रदेशो सरकार नहि दए रहल छै और स्थानीय सरकार नहि दए रहल छै। रहि गेलै सवाल अपनेके छै वेशभूषा संस्कृतिके विषयमे जे छै अपनेके जे छै वेशभूषा संस्कृति और जे थारूके जे मेन पहचान छियै ओ पहचानके सवालमे अपनेके जे छै कतौ न कतौ ई स्थानीय तह हेबे प्रदेश सरकार हेबे और चाहे संघीय सरकार हेबे ओकर कोनो लगानी नहि छै। आइ हमरो के जे छै चाहे जितिया पर्व हेबे चाहे माघी महोत्सव हेबे सामा चकेवा हेबे कि सिरवा महोत्सव हेबे
इमे जे छै आ स्थानीय तह से कोनो जे छै थारू के लेल जे छै पैसा नै छुटियाले जा रहल छै। एकर वेशभूषा संस्कृति के जगरना करे के लेल जे छै ने प्रदेश सरकार किछो दे रहल छै ने संघीय सरकार दे रहल छै। और जे छै शिक्षा के सवाल में जे छै अहाँ के जे छै कोनो लगानी नै भ रहल छै। जे मान के चलू जे छै आइ समुनाथ नगरपालिका में भगवतपुर मावी छै ओहि में अहाँ के जे छै मतलब जे छै आइ मास्टर डिग्री के पढ़ाई नै भ रहल छै। बहुत जगह राजविराज जाय पड़ै छै लोक के पढ़े लए रहलहन जाय पड़ै छै। तै लए के आदरणीय जन समुदाय हम एहि समाज कार्यक्रम मार्फत एहि संघीय सरकार और प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार के ई अनुभूति करे लए जा रहल छियै कि काल के दिन में जब हमरा अहाँ के शिक्षा में लगानी नहीं हेतै तो कतौ न कतौ ई थारू समुदाय जे छै ओहिनो बहुत मतलब जे छै सोच जाइत छै और ओकरा जे छै मतलब जे छै दिनोदिन ई पछाड़ी पड़ते जा रहल छै। आपके समय में कहबे थारू सुन के बहुते मनोबल जाके घटते जा रहल छै। सरकार के तौर तरीका कहबे नया नीति नियम आनते नया नीति सुन आनते तो थारू सुन जाके ओहि में मनोबल बढ़ सके छै। उ जाके सरकार के तौर से जाके कुछ हो नहीं आयल छै। ओनहिए कहबे थारू सुन जाके कला संस्कृति संरक्षण के लागी जाके कुछ हो करबे कोनो प्रोग्राम करबे हमर थारू सुन के आगा बढ़ावे के लागी हमरा के कला संस्कृति के संरक्षण करे के लागी कोनो ठोस बजट येते तो हमरा के करे ले सकबे कहके एकरा के विचार कहबे सरोज चौधरी के विचार फेरो एना छै। सबसे पहिने की छै विश्व के इतिहास में अहाँ देखल जाओ विश्व के इतिहास में कहे अहाँ के कोनो भी जात के मारे के छै तो ओकर पहिने धर्म संस्कृति पहचान बोली चाली के पहिने ओकर मारि दियो उ आदमी अपने सब मरि जेतै। तहिना हमरा अहाँ के नेपाल के इतिहास में धरती पुत्र के रूप में मानै छै। भगवान गौतम बुद्ध जे लुम्बिनी में छै उ थारू के संतान छै। आइ गौतम बुद्ध के जे छै पूरे विश्व में अहाँ के जे छै पूजा करल जाइ छै। एकेटा उ मात्र उ मानव रूपी भगवान छियै और विश्व ओकरा जे छै भगवान के रूप में पूजा करै छै। और हमरा अहाँ के जे थारू सबके जे संस्कृति लोप होय के एकेटा की बात छै जे हमरा अहाँ के सबसे पहिने राजनीतिक चेतना यदि हमरा अहाँ के राजनीतिक चेतना जब तक नहीं एतै तब तक जाके जे छै हमरा अहाँ के जे छै भाषा संस्कृति और जे छै हमरा अहाँ के जे पहचान छै हमरा अहाँ के जे छै बोलै छै थारू भाषा में ओहि सबके जगेरना करे के लेल हम सबके राजनीतिक रूप में अगुवाई में अगाड़ी नहीं एबै। एक ढिका भए के जे हमरा अहाँ के स्थानीय तह प्रदेश और केंद्र में हमरा अहाँ के जब तक पहुँच नहीं हेतै तब तक हमरा अहाँ के जे छै वेशभूषा संस्कृति के संरक्षण नहीं भए सकैए। किया तो आइ मान के चलू हमें यहाँ माघी महोत्सव मनाबै छियै हमें यहाँ जे छै अहाँ के जे छै जितिया मनाबै छियै हमें अहाँ के सिरुआ महोत्सव मनाबै छियै मग उ चीज के संरक्षण करे के लेल हमरा अहाँ के आर्थिक के समस्या पड़ै छै। 21वीं शताब्दी में अहाँ के की छै टीवी मोबाइल लैपटॉप और नेट के जमाना चलि गेल छै ओहि में हमरा अहाँ के की छै ओकर लेल जे छै हमरा अहाँ के आर्थिक अथी पड़तै। और आर्थिक कतौ छै हमें यहाँ आइ खेत जोतै छियै तऽ ओ मालपोत में जे छै कर बुझाबै छियै ओ जाइ छै संघीय सरकार के ढुकुटी में मग हमरा अहाँ के जे पाबै वाला जे छै अब जे स्थानीय निकाय से जे छै जब तक ओकरा संरक्षण नहि हेतै हमरा अहाँ के थारू समुदाय के पहचान के लेल हमरा अहाँ के ओकर जे छै पर्व के लेल जे छै ओकरा जे छै रकम नहि छुटिया देतै तऽ हमरा अहाँ के अपना जना करके कहलकै प्रशिक्षण के बात आबै छै। जेना प्रशिक्षण में किया छै जे जेना थारू कल्याणकारिणी सभा छै तऽ ओ थारू कल्याणकारिणी सभा में जे छै अहाँ के हमर अहाँ के जाति के जे छै गोर लगै छियै से कहऽ पड़ै छै हमरा अहाँ के ओकर कपड़ा में जे छै पगड़ी बान्हऽ पड़ै छै एहन किस्म के बात सब छै। तऽ ओ चीज के प्रशिक्षण के लेल आर्थिक अवस्था के जरूरी पड़ै छै और आर्थिक अवस्था जब तक जे छै हमरा अहाँ के स्थानीय निकाय अहाँ के प्रदेश सरकार और संघीय सरकार हमरा अहाँ के एहिमे जे छै लगानी नहि करतै तऽ ई दिनानुदिन लोप होय के अवस्था में छै। अखन कहबै देश में जाके प्रजातंत्र अयलै लोकतंत्र अयलै गणतंत्र आयल छै लेकिन थारू समुदाय के लागि कहबे बहुत कठिनाई अखने भए रहल छै। कारण जाके कहबे देश में तीन तरह के सरकार छै स्थानीय तह के प्रदेश के और जाके केंद्र सरकार छै लेकिन ई तीनोटा सरकार जाके थारू के लागि की करे पड़तै एकरा के भाषा संस्कृति राजनीतिक में जाके आगा केना बढ़ावे पड़तै कह के ठोस नीति आनते तो ये जात जाके आगा बढ़ सकै छै कह के एकरा के विचार त देखबे करली सुनबे करली। अब हम यहाँ सबके लग में एकटा थारू पौराणिक गीत देखाय ले जा रहल छी। रोदा से रोदा गेले हे बेरे छे तारा सो हे बेरे छे लेला पता है
आदरणीय दर्शक महानुभाव सब अखने हम यहाँ सबके लग में थारू भाषा के कार्यक्रम समाज देखा रहल छी, थारू सुन के गतिविधि देखा रहल छी, सप्तरी जिला के थारू सुन के पहिरन की छे, एतक का अवस्था की छे, एतक का थारू सुन जाके की कर रहल छे, आवे वाला दिन में की करे पड़ते, थारू सुन के सलाह सुझाव सरोज चौधरी संगे तो देखबे करली। अब हम यहाँ सबके लग में यहाँ शंभुनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 4 के मिलन चौधरी संगे बातचीत करे ले जा रहल छी कि सप्तरी जिला के थारू सुन के अवस्था की छे, आब एकरा केना सुधार करे पड़ते। थारू सब हम सब कहे छे भूमिपुत्र छे, हमरा सब के सेवा ने भूमि के भूमि भूमि से उत्पादन केला चीज के सेवा केना, भूमि में उत्पादन करे के हमरा सब के मेन कृषि पेशा छे, व्यवसाय छे। तब सवाल रह गेले कि पहले तो थोर सब जमाना में पूरा हमरा सबके पूरब से पश्चिम लाके जमीन के हकदार सिर्फ थोड़े टा छे, दोसर जात के अगल बगल कतौ नहीं देखिए, सबठे हरेक जगह के स्वामित्व सिर्फ थोड़ के छले। और दोसर जात जे छले जकरा हम दोसर जात बजिया कहे छे, ओहिमे से कुछ जात सबके थारुए सब लाभलकै, एहि दुआरे थारू केकरा केकरा लाभलकै, खतुए सबके लाभलकै, मुसहर के लाभ लगे, विश्वकर्मा के लाभ लगे, ओकरा कथी लाभ लगे, तो थोर सब के तो पूरा कृषि के व्यवसाय छले, विश्वकर्मा के लाभ लगे, ओकरा अहाँ के हँसुआ में खेती करे के लिए तो हँसू धान काटे पड़े, कुछ करे कोदारि जोते पड़े, कोदारि में धार लगा पड़े, तो विश्वकर्मा के व्यवस्था कलकै, तो विश्वकर्मा के स्थापना कलकै। तकर बाद मुसहर सब मुसहर कल करो एतेक जमीन जे छे अहाँ के थोर सब के तेकरा कतौ बड़का पहाड़ जखा छे, ककरो भेरालो जखा छे, तेकरा सैर के करते, तो ओहि जात के लाभ लगे मुसहर के, तहिना ते अहाँ के खतबे सब के लाभ लगे, जे ओ सब खेती में हमरा सब के खेती में काम करे छले, हमहु सब ओहि साथे काम करे छली, तो ई थोर संगे अल्हा ई 3-4 जात छे मूलतः। तो अपना सब के जमींदार है तो भी किया ई अवस्था में पहुँचलिए, तो मेन अपना सबके सब चीज शिक्षा से जोड़े छले, पहले हमरा सबके कोई इसकुल तिस्कुल जाए छले हमर दादा परदादा सब, तो ओकर बाप सब कहे छले रो एतेक धन सम्पत्ति छेबे करू, तू पढ़ लिख के करही की, जरा का हम अपन एज में का हमर अंकल SLC पास करके तू जाए छले अहाँ के पहाड़ में नौकरी करे ले, हमर कथी कहे छै से दादी कानैत कानैत ओकरा एतेक कानलकै जे अहाँ के ओकरा जागीर करे ले जाए नहीं देलकै, कहलकै रो तोरा घर में तक धान चोर मुसहर मात्र खाए छे, मूस बिलाय खाए छे, तू अनकर धान के लेल जभी अनकर काम करे ले, तो सब नहीं कलकै। लेकिन अपना सब की भेलै तब शिक्षो कमी भेलै, प्लस अहाँ के कृषि कृषि मेन पेशा छै, लेकिन कृषि केना करबै, तऽ अपना सबके सब दिन से थोर सब सब दिन से परम्परा खेती, अखन तो देखियौ अहाँ के दोसर जात के अगर एकटा कोली छै तो एकटा कोली में अहाँ 4-5 परिवार के सदस्य पाले छे, हमरा एक बीघा अखन तो कोनो थोर के छे, तो एक बेर धान लगा दलके, धान में एक बेर गहूम लगा दलके, बाकी अहाँ के पड़ले रहे छे, भले तो भले नहीं भले तैयो ठीक है। तो हमरा सबके सब दिन से परंपरा खेती में रह गेलिए, ताहि दुआरे मतलब खेती योग्य जगह
मतलब ओहिमे अहाँ के व्यावसायिक रूप में नहीं कला के बाद अहाँ के हमरा सबके खेती करियो के भी प्रगति नहीं कर सकते। ते द्वारे आज के युग में आधुनिक खेती के जरूरी है जतभाग से अपना सबके तब एक ओहिमे मतलब बारह मास बाली के जरूरी है ओकरा व्यावसायिक रूप में लगल पड़े। थारू सुन जाके पूर्व मेची से लाके पश्चिम महाकाली तलिक रहल जाए जल जमीन जंगल फरानी करते बाघ भालू संगे लड़ते मलेरिया पचाके थारू सुन जाके ये भूमि में रहल छे। पहले जाके थारू सुन जाके कृषि पेशा में जाके आधारित जाए छले लेकिन कृषि पेशा कहबे आब जाके ओतक विकसित हेले नहीं सकने से और जाके थारू सुन जाके बहुते जागीर में नहीं भेला के कारण से जाके अपन जगह जमीन बेचते जाके अपन घर परिवार जाके पालते आबि रहल छे। तो जगह जमीन जाके केना के मासल के कहबे तो एकरा के जाके घर परिवार जाके बड़कीटा कमाबे वाला कोईयो नहीं ते से जाके एकरा के जगह जमीन जाके रसे रस बेचते अपन दिनचर्या चलाते आबि रहल छे। तो फिर बातचीत करे ले हमें जा रहल छी सोताली में चलिए आय है सपना का देखनो फिर बुझी है सपना देखलो बराया जहगुते प्यार भुजे है सपना देखलो बराया जहगुते अमृत फल केरी आय है बागुजारला अमृत फल केरी आय है बागुजारला पेर बुझी हेरा माह लखना के रहा धोते प्यार भुजे हेरा माँ लखना के रहा धोते। पहलका युग के अपेक्षा में शिक्षा में अखनी कमी नहीं है हरेक घर में हमार बेटी बहन से लैके सबके पढ़ल लिखल छे लेकिन ओकर उपयोग नहीं भै रहा है। पढ़लक पढ़ल कह रो बेटी तुह कत पढ़ल छे तो हम बीए पास करल छे अखनी तो जन हमार बहन सब ज़्यादा पढ़ल छे बड़ू भाई सब कोई गजेड़ी भै गए कोई सजेड़ी भै गए पढ़े लिखे नहीं करे ओकर पढ़ाई प्रति ध्यान नहीं है तो अहाँ के की भेले वो पढ़ाई के नीक से प्रयोग नहीं भेले ए दुआरे नहीं भेले हम सब खाली पढ़ लेली पढ़ के करबे की तो ओकर अहाँ के एक उद्देश्य है ना विजन है हम पढ़ के ई बनबे खाली वो अहाँ के देखावटी के रूप में पढ़े छे फन्ना कोई तो बेटी के पढ़ाई के हम कथी नहीं पढ़े हमहूँ बेटी के पढ़ा दिली तो कोई कोई तो अहाँ के बेटी खाली पहल के आदमी सब तो कहे चले बेटी के नहीं पढ़ाबे तो अब ब्याहो नहीं हेतु तो ब्याह खातिर पढ़ा दिली ओकर शिक्षा खातिर नहीं पढ़ा रहे छे अखनतो भी अखनतो अहाँ के अपना सबके समाज में एहन मेंटालिटी है जो बेटी के घर में ब्याह हेतु ते होते पढ़ा छे बेटी अहाँ एक शिक्षा हेतु वही शिक्षा से हरेक चीज अर्जन करते अखनतो अहाँ के अपना सबके वही अथी दृष्टि से बेटी के नहीं पढ़ा रहे जना अब पढ़ाई में पढ़े तो पढ़ल आई ए पढ़लक बी ए पढ़लक लेकिन टहलल पड़े नहीं वो अहाँ के वही शिक्षा के प्रयोग नहीं करल जना बावन क्षेत्री के देखो जरा हम गारि पढ़े ओकर से सीखे नहीं छे सिर्फ हमें यहाँ ओकरा औलाद देखाबे छे हमरा ये आदमी एनंग नहीं कर दलक वो आदमी यहाँ की करल की करबे त यहाँ तो कुछ तो करे पड़ते ओकर बेटा थौर के बेटा एक अहाँ के बाभन के बेटा छे संगे संगे पढ़लक थौर के दालि चावल खा के अहाँ के वो मास्टर डिग्री कलक इहो कल भै गए सचि थौर के बेटा जेहन के तेहन रह कथिल रह गए अहाँ के पढ़े तो पढ़ लक अब जागिर करे के लिए की चाहिए नहीं हमरा सबके अब ने अहाँ के दादा छे मंत्री ने हमरा सबके अब संपत्ति रह गए एक रह गए कि तो मेहनत हम सब पढ़े पढ़ ले लेकिन और मेहनत नहीं कर ली लोक सेवा तरफ ध्यान नहीं दिली एक पढ़ ले कोनो अहाँ के कथी कहे से
कोनो एकटा विज्ञापन निकलल कोनो फैलल चीट लाके बुआल फोड़ी छै यौ हमरा जागीर लगा दिए। लेकिन वएह आदमी ई नहि करै छै जे हम एकटा लोकसेवासँ तैयारी करी, लोकसेवामे नाम निकाली, अपन मेहनतसँ अपन बलसँ ई जागीर प्राप्त करी, ताहि तरफ नहि छै। ताहि दुआरे हमरा सबके युवा पढ़ल लिखलके कमी नहि छै, हरेक घरमे पढ़ल लिखल छै, लेकिन अहाँके जागीरके स्तर देखबै तऽ अहाँके नगण्य। मास्टर डिग्री केलहा, बीए एमए केलहा, हमर दाजू भाइ सब भाइ भतीज सब तऽ एहन बुआल ढनाएल पड़ै छै। किया बुआल ढनाएल पड़ै छै तऽ अहाँके ओहि प्रति ओकरा चांसो नहि छै। हमरा पढ़लियै तऽ एकर प्रयोग की कोन कथी लए पढ़लियै? अपनेके जनसंख्याके आधारमे देखबै तऽ थारवे देखबै, तकर बाद अदर आओर जाति सब, विभिन्न जाति सब छै। अगर थारू सब अब राजनीतिकेमे देखबै, अगर थारू सब एकतंत्र भऽ जाए, एकत्रित भऽ जाए तऽ अहाँके एहिठिमा हरेक चीजमे थारू अगाड़ी बढ़ि सकै छै। लेकिन थारू सब एक आपसमे अपने द्वन्द्व छै, ओकर पिछाड़ी लागिके ओकर ओ पैर ओकर खींच लेलक, ओकर ओ खींच लेलक, जेकि सही राजनीतिक नहि भए रहल छै, सही नेतृत्व नहि भए रहल छै थारूमे। अपनेके ओहिके लेल जनचेतना जगाएल पड़तै ओहि सबके भीतरी आत्मासँ, जे मतलब अपना सब अगाड़ी केना के बढ़बै, अगाड़ी बढ़ैके लेल की सब करे पड़तै। आओर कोनो भी काम होइ छै तऽ जाति जातिके अहाँके बात चलि आबै छै, लेकिन आओर जातिमे सशक्त छै, अपन अपन सब सशक्त भऽ जाइ छै, लेकिन थारू विभाजन भऽ जाइ छै। ई सब अपना एहिठाम ओतेक नहि लाइक सोझ दिमाग सोझ विचारसँ जेहे कहलक ओकरेमे लागि गेल। सप्तरी जिलाके थारू सुन कहबै बहुते पढ़ल लिखल छै, राजनीतिकमे पहुँच नहि भेलाके कारणसँ जाके थारू सुन जाके जागीरोमे प्रवेश करै लए नहि सकने छै। एतका थारू सुन जाके बहुते ओझोलमे छै, आ ओनहे कहबै विकास हेलै नहि सकने छै। तऽ ओ कथी तऽ राजनीतिक पहुँच नहि भेलाके कारणसँ। तऽ आदरणीय दर्शक महानुभाव सब, एतौ महिला सुन जाके बहुते होनहार सुन छै, ई मोहनपुर जिलाके महिला सुन कहबै पढ़ल लिखल छै, लेकिन पहुँच नहि भेलाके कारणसँ एकरा आरके ओझलमे पड़ल छै। महिला सुन अखने सिपमूलक तालीम सुन कहबै तऽ बहुत आबै छै ने, जेने कि फर्स्ट टाइम लियौ कटाइ सिलाइ, कटाइ सिलाइ तऽ 3 महीनासँ लए कऽ 6 महीना तक लिख दै छै ने। आब बहुत पहिले कटाइ सिलाइ तऽ नहि करने रहै कोइ कोइ रहै, मशीन चलाइ लए आओर सिलाइ लए कपड़ा कठौना बाजार जाइ लए पड़ै, कठौना नहि लहानो कतौ कोनो बाजारमे। अखने घर घरमे मशीन छै, बहुत अखने ब्यूटी पार्लरके तालीम अयलै, अखने तऽ फैंसीक जमाना छै, हरेक चीज फैंसीमे छै। ताहि दुआरे ब्यूटी पार्लरके तालीम देलकै 3 महीना तलिक, बहुत एसनाके महिला सुन आओर चली बेटी सुन लेलकै, कतेक कतेक पै चली बेटी आओर महिला सुन जागरूक भेलै कि फैंसीके जमानामे ब्यूटी पार्लरके तालीम लेलकै तऽ नहि कमतीमे तऽ अपन फैमिलीके तऽ अथी करि सकै छै, आइब्रोए बनैतै, ब्लीचिंगे करतै, फेसियले करतै। ओ तऽ बहुत दूरके, फेसियल तऽ बहुत दूरके बात भए गेलै, फेसियल ओतेक सक्सेस नहि होइ छै। ताहि दुआरे सबसँ पहिले तऽ अपने रूम बनाइ छै, आइब्रो बनाइ छै, ताहि दुआरे बहुत डेवलप छै कि अखने ई थारू समुदाय। आदरणीय दर्शक महानुभाव सब, हम यहाँ सबके लगमे सप्तरी जिलाके कहबे शम्भुनाथ नगरपालिकाके महिला सुनके अवस्था की छै, एतका रहन सहन की छै, एतका पहिचान की छै, एतका खूबी सुन की छै, आ एनहिए जाके कला संस्कृतिके संरक्षण केना करे पड़तै, एकरा प्रवर्धन केना करे पड़तै, तकर बारे तऽ देखाबे करली। एनहिए नीक नीक गतिविधि देखाय लए मन लागल रहै, लेकिन की करबै, समय ककरो लागे असायल नहि रहै छै, लेकिन बचा करै छी दोसर मंगल दिना इएह वक्त इएह समय। हम परशुराम चौधरी लगात हमर टीम उपस्थित हेबे करबै, ता तलीके लागि विदा दियौ, गोर लागै छी।